Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। आज से प्रयागराज में भारी वाहनों पर रोक, नो एंट्री वाले वाहन पास पर भी लागू रहेगा नियम। माघ मेला स्नान पूर्व को देखते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात ने शहर में रूट डायवर्जन लागू कर दिया है। ये रूट डायवर्जन 13 जनवरी 2022 से 15 जनवरी 2022 तक लागू रहेगा। बरेली में ट्रेन से कटकर दो दोस्तों की मौत हो गई। किला थाना क्षेत्र के बाकरगंज क्रॉसिंग पर लाइन पार कर रहे दो दोस्त ट्रेन की चपेट में आ गए। हाई स्पीड ट्रेन की चपेट में आने से दोनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और पूछताछ के बाद पता चला दोनों शवों की शिनाख्त की तो पता चला दोनों दोस्त हैं। अमरोहा के गजरौला इलाके में मुरादाबाद दिल्ली रेलवे लाइन पर बुधवार की रात करीब 9 बजे OH यानी कि ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन का तार टूटकर गिर गया। इससे लखनऊ दिल्ली रेलवे ट्रैक बंद हो गया। विभिन्न जिलों से प्रयागराज के माघ मेले में ड्यूटी करने आए पुलिसकर्मियों में कोरोना संक्रमण ने अपनी पैठ बना ली है। बुधवार को हुए एंटीजन टेस्ट, अब तक कुल 38 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित पाए गए पुलिसकर्मियों को आइसोलेट कर दिया गया है। मुरादाबाद में बुधवार देर रात खिलौना व्यापारी कुशाग्र गुप्ता, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने उनके सिविल लाइन में स्टेडियम के पास स्थित दुकानदार में घुसकर गोली मारी। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे टुडे 24 न्यूज। Jungle.